दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की हवा और भी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। 29 अक्टूबर यानी कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 से बढ़कर 341 दर्ज किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 15 सूत्रीय विंटर प्लान भी बनाया है। बावजूद इसके हवा और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पॉइंट्स को लागू किया जा रहा है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इसका हिस्सा माना जा रहा है। वहीं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि सफर इंडिया ने रविवार को दिल्ली का AQI बेहद ख़राब श्रेणी का बताया है। सफर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में AQI 309, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास हवा की गुणवत्ता AQI 341 और नोएडा में AQI 372 दर्ज किया गया।